नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वाराणसी में एक प्रतिष्ठित कॉलेज के चेयरमैन को एक छात्रा के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। छात्रा के परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चेयरमैन की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई होते ही चेयरमैन ने कान पकड़कर माफी भी मांगी, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की। हालांकि पूरी घटना का वीडियो जब वायरल हुआ तो चेयरमैन का परिवार इस घटना से काफी आहत दिखाई दिया। मामला वाराणसी के थाना चौबेपुर थाना क्षेत्र के भक्तवा का है, जहां एमपी इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉलेज के चेयरमैन माया शंकर पाठक की पिटाई छेड़खानी के आरोप में की गई। माया शंकर पाठक पूर्व में विधायक रह चुके हैं और कॉलेज के चेयरमैन भी हैं, जिन पर आरोप है कि अपने कैबिन में एक छात्रा को बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद परिजनों ने मारपीट की और मारपीट की इस घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया। वीडियो में माया शंकर पाठक लड़की के परिजनों के सामने कान पकड़कर माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। उनके माफी मांगने और लोक लज्जा के कारण परिजनों ने पुलिस में शिकायत तो नहीं की, लेकिन घटना के बाद गांव में इस कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़ा हो गया है। गलती किए तो बोलिए, यानी 1500 वकील यहाँ यहाँ अच्छी तरह से जाना तुआ बस बता देती। 1500 वकील यहाँ। अरे ऐसे पापा हाथ उठाओ में शर्म लगा था, हाथ उठावा में शर्म लगा था।